रोज की तरह से वीडियो में कवर करेंगे आज के अखबार की उन खबरों को जो बिहार में अपकमिंग सातवें फेज की शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई खबरें हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए अभी जो अखबार का हिस्सा दिख रहा है ये मैंने हिंदुस्तान अखबार से लिया है, मुजफ्फरपुर एडिशन देखिए, उसमें आपको चौथे या पांचवें पेज पर आपको ये वाली खबर मिल जाएगी जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है। शिक्षा विभाग ने 593 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोका, ये छठे फेज का मामला है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का मामला है। आप लोग में काफी लोग आप लोगों में से इस बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे कि एक केस एलपीए में गया था राकेश कुमार पिटिशनर इसके, और उसी केस से जो कुछ निकल के आया उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नियुक्ति पत्र सितंबर में ही मिलना था ऐसा अखबार के इस हिस्से में लिखा हुआ है, लेकिन कोर्ट केस के जो ऑर्डर था उसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है रोक दिया गया। अब सातवें फेज वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें, ये बात बिल्कुल सही है कि छठे फेज पर भी और एसटीईटी 2019 पर भी कई सारे केस अभी पेंडिंग मोड में हैं। 15 दिसंबर को सरकार ने जो डेट तय किया है मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई झूठ नहीं है, सरकार 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन देना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा अड़चन ये कोर्ट केस वाले लोग ही हैं और ये कोर्ट केस ही है। पता नहीं कितने कोर्ट केस अभी हैं जो निकल के सामने नहीं आए हैं और कई सारे कोर्ट क्या रंग दिखा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर है। तो अभी के लिए सबसे बड़ा अड़चन तो यही बहाली में यही दिखता है कि इन कोर्ट केसेस का क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर मामला फंसा ही रहेगा और सरकार को चीजों को एक्सटेंड करने का मौका मिलता ही जाएगा। तो मुजफ्फरपुर का हिंदुस्तान अखबार देखिए, बाकी आप पॉज करके इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, काफी सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन आज के हिंदुस्तान अखबार में इस बारे में दिया हुआ है। वैसे उम्मीद ये भी है कि ये वाला केस नियर फ्यूचर में डिसमिस हो सकता है, क्या होता है तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। एक दूसरी खबर देखिए, एक शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई खबर नहीं लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर है। ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 998 शिक्षक को 2 महीने का वेतन दे दिया, 1 माह एडवांस में सैलरी दे दिया और औरंगाबाद में 2500 शिक्षकों का वेतन बैंक की गलती से फंसा। तो बैंक वाले भी कई बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से एक तो कई लोग ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, डबल सैलरी पा रहे हैं और कुछ लोग बेचारे सैलरी ही नहीं पा रहे हैं, तो एक बड़ी अजीब कंडीशन निकल के सामने आई। ओवरऑल ये है कि शिक्षक बनने के बाद भी आपकी लाइफ से जो तरह तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये जाने वाली नहीं है, कम से कम अखबार का ये हिस्सा तो यही दिखाता है। तो आज के लिए यही सब चीजें हैं और ज्यादा कुछ है नहीं आज के अखबारों को के अंदर, सभी अखबारों को मैंने चेक किया है, आगे कोई भी खबर आती है सातवें फेज की बहाली से संबंधित तो मैं आपको जल्दी जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आज